स्वर्गीय कांक्षा दुबे जी जो हमारे बीच में नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं यही बोलूंगी कि बेटियों स्ट्रॉन्ग बनो और कहीं भी रहो कम से कम अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करो। अकेले में कोई चीजें नहीं होती है, आप अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करो, पेरेंट्स नहीं अपने भाई से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो, लेकिन शेयर करो। क्योंकि पुरानी एक बात कही गई है ना, दिल में जितना छिपा के रखोगे ना दर्द उतना ही होगा। तो इससे अच्छा उसको शेयर करो यार, नहीं शेयर करना है तो अपने फैन से शेयर करो, लेकिन करो। तो मैं चाहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक बेटी होने के नाते मैं ये चीज कहूंगी कि चिट्ठी ना कोई संदे जाने वो कौन समझे जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुम बने आवाज होगी। हर वक्त यही है उस वक्त कहां तुम चले गए। मैं चाहूंगी एक बेटी होने के नाते, क्योंकि हम भी एक कलाकार हैं और एक बेटी परिवार से आते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी जितना सम्मान सभी को देते उतना सम्मान एक बेटी को भी दीजिए। क्योंकि हम बोल नहीं सकते, बट मैं चाहूंगी कि एक बार एक मिनट के लिए सिर्फ सब शांत हो जाइए, बस एक मिनट के लिए। मैं बस एक मिनट का मौन रखना चाहती हूँ, सिर्फ आप सभी आगे आगे सभी एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, बस एक मिनट का मौन मैं रखना चाहूंगी सभी से, प्लीज एक मिनट के लिए। एक बेटी होने के नाते कौन कौन मेरा साथ देगा, बट दोनों हाथ उठा के बताएगा, बस एक मिनट के लिए शांत हो जाइए, एकदम शांत। शांति। आप सभी बैठ जाइए। और एक बेटी होने के नाते आज आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सभी कलाकारों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, मुस्कुराते रहिए और इतना प्यार दीजिए कि दोबारा कोई बेटी एक कदम ना उठाए, है ना, कि दोबारा कोई बेटी आप जिसको जिसके आप जैसे चहेता हो, जिसके आप जैसे दर्शक हो, उसको कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो मैं चाहूंगी कि जितना प्यार आप सभी को देते हैं, मुझे देते हैं, उतना आप सभी कलाकारों को दीजिए, तो शायद हम सभी बेटियां आपसे खुलकर अपनी बातें कह पाएंगे। मेरा कोई मकसद नहीं था आपका समय लेने का, अगर मैंने आप सभी का समय लिया है तो मुझे माफ कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा के आप सभी कलाकारों का आशीर्वाद दीजिए। ये मंच है कि हम अपनी बातें आप सभी तक रख पाते हैं, है ना।